गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास बच्चों, आज हमने हमारी जो पोएम थी, फर्स्ट पोएम अपना देश संवारे हम का जो बचा हुआ था पार्ट, उसे कंप्लीट किया है। तो चलिए देखते आज हमने क्या पढ़ा था। कविता थी अपना देश संवारे हम, अपनी इस पावन धरती का आओ रूप निखारे हम, अपना देश संवारे हम। नए सृजन के संवाहक हम, प्रगति पथ के राही हैं हम, प्रतिबद्ध पहरुए युग के हम सन्नद्ध सिपाही हैं। जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारे हम, अपना देश संवारे हम। इसमें क्या है कि कवि जो है भारत के मजदूर वर्ग को, किसान वर्ग को और सैनिकों को संबोधित कर रहा है। क्यों कर रहा है कि वह अपने देश को संवारना चाहता है, अपने देश को जो है वह आगे प्रगति पथ पर ले जाना चाहता है। तो उसी में ही वह कहता है कि अपनी इस पवित्र धरती को हम इतना संवार दें, निखार दें कि सब पूरे विश्व में हमारे देश का नाम हो। नए नए सृजन करें, सृजन का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। नए नए सृजन के संवाहक हमें प्रगति पथ पर ले जाने के लिए, हमारे देश को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए जो भी नए सृजन करने हैं, नए निर्माण कार्य करने हैं, उसको ले जाने वाले, फैलाने वाले हम ही हैं। हम ही प्रतिबद्ध हैं हमारे देश के आने वाले भविष्य के, ठीक है। हम जो भी मिले चुनौती उत्तर दे उसको स्वीकारें हम। हमें हमारे देश को आगे ले जाने में, प्रगति करने में जो भी चुनौती मिले उसको स्वीकार करके हमें अपने देश को आगे ले जाना है। कर्म हमारे बने कुदाली, कर्म हलों के फाल बने, कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। नए भगीरथ बन बेचारी गंगा नहीं उतारे हम, अपना देश संवारे हम। इसके अंदर क्या है कि हमारे काम कैसे होने चाहिए। जैसे मजदूर का काम क्या है, जमीन को खोदना, नए नए निर्माण कार्य करना। किसान को कहा है कि तुम अपने कामों को ऐसा कर दो, कामों से इतना अच्छा फल दो कि हमारा देश आगे बने। शत्रु कर्म बने तलवार शत्रु को, कर्म देश की ढाल बने। सैनिक को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम्हारे काम जो हैं, तुम देश की सेवा करो, रक्षा करो, और जो तुम्हारे काम ऐसे हों कि शत्रुओं का नाश कर दें और देश को ढाल की तरह, देश को रक्षा प्रदान करें। भगीरथ कौन था बच्चों? भगीरथ भगवान राम के पूर्वज थे जिन्होंने गंगा नदी को उतारने के लिए कठिन तपस्या की थी। तो कहता है कवि कि नए भगीरथ बन बेचारी गंगा नहीं उतारे हम। विचारों की नई गंगा को, ऐसे विचार जिससे हमारे देश की प्रगति हो, तो इस तरह की गंगा को नहीं उतारने के लिए हमें ही भगीरथ बनना है। हमें देश की रक्षा करनी है प्रतिकूल हवाओं से। हमें हमारे देश की रक्षा करनी है कैसी हवाओं से, जो हमारे देश के विरुद्ध, हमारे देश को जो प्रगति पर नहीं ले जाती है, प्रगति जो नहीं करने देगी, ऐसी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करनी है। जो हमारे देश के लिए अच्छी नहीं है, ऐसे लोगों से हमारे देश की रक्षा करनी है। हमको है घर द्वार सजाने नई नई, जो लोग निराश हो गए हैं उन लोगों की आशाओं के द्वारा हमें इस तरह के कार्य करने हैं कि हमें नई नई, जो लोग निराश हो चुके हैं, आशाहीन है, उन लोगों में आशाएं भरनी हैं और उनके घरों के अंदर उनकी आशाओं को पूरा करना है, उनके घर द्वार को सजाना है। अंधकार से जूझ देश की गली गली उजियारे हम। जो लोग अंधकार में डूब गए हैं या जिस भी गली के अंदर, जिस भी देश के जिस भी भाग के अंदर अंधकार, निराशा है, उसे दूर करके हम आशाओं के दीपक जलाएंगे, अपना देश संवारेंगे। हम प्रतिरूप नए युग के हैं, सूरज नूतन क्षमता के। हम प्रतिरूप का मतलब होता है फोटो, किसी की छाया, किसी की पिक्चर, किसी की मूर्ति। हम ऐसी छाया मूर्ति हमारे देश में जो नए युग का विस्तार करते हैं। सूरज ऐसे हैं जो नई क्षमता वाले सूरज हैं, मतलब अपने देश को आगे ले जाने के लिए कितनी भी कठिन मेहनत कर सकते हैं। नए क्षितिज के अन्वेषी का मतलब होता है खोज करने वाला। आकाश और पाताल जहाँ मिलते हैं, ऐसे क्षितिज को भी हम ही खोज निकाल सकते हैं। मिलजुल कर हमें मानवता का, सबका भला हो, इस तरह का रास्ता हमें संवारना है, ठीक है, अपना देश संवारे हम। इस कविता को लिखने वाले श्री कृष्ण सरल हैं। बच्चों, इसके बाद में आप अपनी कविता को करने के बाद में आप अपनी बुक के अंदर शब्दार्थ लिखेंगे। पावन का मतलब होता है पवित्र, संवाहक ले जाने वाला, नूतन नया, बुहारे झाड़ू लगाए, निखारे साफ सही करना, प्रतिरूप मूर्ति, अन्वेषी खोज करने वाला। इतना आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। कल इसकी बुक एक्सरसाइज और इसकी जो क्वेश्चन आंसर है वो करवाए जाएंगे। थैंक यू।